कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। हसरते कुछ और है, वक्त की इंतजा कुछ और है। कौन जी सका है जिंदगी अपने मुताबिक, दिल चाहता कुछ और है, होता कुछ और है। आजकल सब यही कहते रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आता कि बिजी वक्त हो गया है या आदमी। इतना विश्वास जरूर है, जिंदगी कुछ तो बनाएगी मुझे, जिंदगी कुछ तो बनाएगी मुझे। कदम कदम पर मेरा इम्तिहान लेती है, वक्त सिखा देती है असूल जिंदगी का। फिर नसीब क्या, लकीर क्या और तकदीर क्या। जूझती रही, बिखरती रही, टूटती रही, कुछ इस तरह जिंदगी निखरती रही। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी, जीत जाओ तो कई अपने पीछे छोड़ जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। जिंदगी की हकीकत को बस हमने इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशियों में सारा जमाना है। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। काल रात जिंदगी में सपने में आई थी और कहा, कब तक चलेगा किसी और के पीछे, अब खुद का पीछा करना सीख ले। जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए तो कहते हैं, मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में परेशानी किसको कम है। अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। गौर मुकम्मल सी है थी जिंदगी और वक्त की बेहास रफ्तार है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार। जितने दिन जिंदगी को अपने खुलकर जी लिया, वही दिन आपकी है, बाकी दिन तो कैलेंडर की तारीख है। जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है, फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। कोई खुशियों की चाह में रोता है, कोई दुखों की पनाह में रोता है। अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। कुछ इस तरह मैंने अपनी जिंदगी आसान बना ली, किसी को माफ़ कर दिया और किसी से माफ़ी मांग ली। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, कबीर ए तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीच है, जोते बते सुजान। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा ये शरीर एक खेत है और मन किसान है, तथा पाप तो पुण्य दोनों बीच है। इस प्रकार खेत में जिस प्रकार का बीज बोकर होती है, वैसे फसल प्राप्त होती है। इसी प्रकार शरीर रूपी खेत में मन रूपी किसान पाप पुण्य दोनों की बीज डालता है। इनमें से जो भी बीज किसान बोता है, उसी की फसल भी काटता है। अर्थात मनुष्य का मन ही पाप व पुण्य दोनों में से किसी एक की ओर आकर्षित होता है। हम जैसा बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। जिंदगी में अच्छे कर्म कीजिए, ताकि भविष्य में आपको हमेशा अच्छा फल ही मिले। दोस्तों, जिंदगी अच्छा करते चलिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते चलिए। मैं मिलूँगा जोश जुनून मोटिवेशन और एक वीडियो के साथ। जुड़े रहिए लिंगराज बेमाल चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।